असला स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदी आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो आपके सामने है कि आपने क्लासेस किस तरह लेनी है वीडियो जो देखना लाजमी होता है उसमें व्यू कैसे होता होगा या कैसे व्यू लगता है या ग्रीन टेक कैसे लगता है हाज़री किस तरह की आपकी लगेगी और वीडियो लेक्चर्स देखना कितना ज़रूरी है ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को वी यू खानपुर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वी यू स्टडी के हवाले से वो आप तक आए पहुँचें और आपका जो काम है वो आसान हो जाए और उससे पहले एक बात मैं आपको यहां बता दूँ की यहाँ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म आया हुआ है आप इस वीडियो को देख कर, आ, लाजमी फिल फिल कर लाजमी दें ख्याल में इसकी लास्ट डेट है देताइस या छब्बीस तो ये मुफ्त की स्कॉलरशिप है जो आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है पांच मिनट लगने हैं तो आप फॉर्म फिल कर देंगे तो हम इसको रिकमेंड करेंगे और आपको ये स्कॉलरशिप भी लास्ट में मिलेगी तो आप चलते हैं आज की की वीडियो तरफ और जो वीडियो है वो इसी तरह है तो आपने करना है क्या <coughs> कि आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो यकीन अब तक आप सीख चुके होंगे कि आपने एलएमएस को कैसे ओपन करना है अगर उसमें कुछ ना समझ आए तो फिर यहाँ पेगी होम एस इसी चैनल के ऊपर उसको देख के आप अपना एल एक्टिव कर लें और उसके बाद जो आगे क्लासेस की बात है तो इनशाला अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो सबसे पहले आपने जाना है यू एल एम एस की तरफ और आपने आई डी और पासवर्ड लगा के अपना एल एम एस ओपन करना <coughs> तो जैसे ही मोस्टली आप लोग मोबाइल के ऊपर होते हैं तो फिर आपको आ, जो लैपटॉप की स्क्रीन तो फुल है इसके ऊपर जो आपका एल एम एस है वो पूरा नजर आता होता है लेकिन मोबाइल की स्क्रीन आपको इससे भी हाफ नज़र आती है तो उसमें जब आप, आप ओपन करते हैं तो आपको जो हिस्सा है वो तकरीबन इतना सा नज़र आता है है पे हाफ हाफ के करीब और ये जो पोर्शन होता है, वहां पे नहीं नजर आता है। तो आपको फिर थोड़ा सा ना इस राइट की तरफ स्क्रोल करना पड़ता है जो स्क्रीन होती है एल एम एस की फिर आपको ये नजर आ जाता है आपने क्या करना है यहाँ पे बैक बटन के ऊपर क्लिक कर दे ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का नजर आएगा तो जो हमारा सबसे पहला क्लासेस लेने का तरीका ये क्लासेस देखनी है तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करना है और उसके जो अंदर वीडियोस होंगे या जो भी डाटा है वो सारा ओपन हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा एक लिस्ट की शेप में तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं जनरल मेथड ऑफ टीचिंग्स और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसका मतलब होता है कि इस वक्त तक आपने उसके इतने लेक्चर्स या तो ओपन हो चुके हैं या आपने देख तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे ही आपने उसके नाम को क्लिक किया तो एक पूरी लिस्ट आ गई लेसन की, की तो अब ये जो नाम है ये जो लेक्चर्स हैं, उसके नाम है ठीक है तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो अंदर जो उसके वीडियो होगा वो ओपन तो जैसे ही आप उसके नाम को क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो ओपन हो जाएगा और इस तरह आप ये लेसन ले सकते हैं वीडियो देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक्स है कि क्लासेस लेने किस तरह है तो क्लासेस इसी तरह ही होती हैं कि जब आप उसकी वीडियोस देख लेते हैं तो आप क्लासेस ले सकते हैं लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो देखना ज़रूरी हैं अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर आपका कोईज नहीं होगा अटेंडेंस नहीं लगेगी और आप एग्जाम भी नहीं दे सकेंगे और नतीजा ये होगा कि आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा <coughs> और उसकी निशानी क्या है कि

जो टोटल टाइम है यानी 50 मिनट है तो 25 परसेंट आपने उसका देखना है तो यहाँ पे वो ग्रीन टिक लिख जाता है अब जरा हम दूसरे सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं इसके सिंपल मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ कि आपके लेसन देखना कौन कौन से सब्जेक्ट के जरूरी हैं, उसके लिए सिंपल आप ये करेंगे की इस साइड के ऊपर आपका एक बटन लगा हुआ है प्रोग्रेस का यहाँ पे आपने जाना है और फिर यहां पे आपने टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आ रही आ, 301 है यानी कि ईडी यू थ्री जीरो तो वन है उसकी जो नीचे ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना वो आपके सामने शो हो रही है फिर जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड डेटा आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे देखें कि इडी यू थ्री जीरो वन में तो जो लेक्चर्स थे उनको देखना या उसको वीडियोस को टिक करना वो नहीं था लेकिन जैसे ही हमने इडी यू फोर जीरो टू को क्लिक किया है यहाँ पे जो टेबल की शेप में कहा गया वीक वाइज अटेंडेंस वीक वन अभी चल रहा है कंप्लीट हो चुका है समझ लें तो यहाँ पे उसके सामने लिखा हुआ है का मतलब है कि उसके वीडियोस नहीं देखे गए तो आपको क्लियर हो गया की इस एल एम एस के हिसाब से ये बी एड फर्स्ट सेमेस्टर का एल एम एस है तो यहाँ पे देखना जरूरी है आपने अगर किसी भी दूसरी डिग्रीज में है आप इंग्लिश में है मैथ में है सी एस में है या कुछ भी है आप इसी तरह प्रोग्रेस के अंदर जाके हर सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी विडियोज देखना जरूर। अब थ्री जीरो वन में नहीं था फोर जीरो टू में है फोर जीरो सिक्स में चेक कर लेते हैं फोर जीरो सिक्स में भी वीडियोस देखना जरूरी है और इसके बाद वी यू फोर जीरो थ्री में नहीं है जरूरी क्योंकि वहाँ पे कोई एबसेंट का नहीं लिखा हुआ जिस तरह ये इन दो के अंदर लिखा हुआ था सिक्स जीरो वन चेक कर लेते हैं उसमें भी वीडियोस देखना जरूरी है अट, अटेंडेंस और आपका यहाँ पे एबसेंट शो हो रहा है सिक्स जीरो टू में भी इसी तरह ही है और बाकी रह गया वी यू जीरो जीरो वन ये तो हर बंदे ने देखना है इसमें जितने भी सारी वीडियोस हैं वो आप जल्द अज्द कर खत्म कर दें अब आ जाएं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वीडियो में व्यू कैसे होगा किस तरह लगेगा अटेंडेंस किस तरह लगेगी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वहां पे अटेंडेंस जो है ना यहाँ पे इसका एबसेंट शो हो रहा है तो एबसेंट का मतलब आ, गैर हाजर है और जब इसको वीडियोस देख लेंगे तो वहां पे प्रेजेंट आ जाएगा तो अब जरा देख लेते हैं हम इी यू सिक्स जीरो टू में वीडियोस किस तरह आपने देखनी है और उसके ऊपर टिक किस तरह लगेगा तो आपने इसी तरह फॉलो करके अपने सब्जेक्ट देखने हैं और उसके ऊपर जो ग्रीन टिक है वो लगना है होम पे जाते हैं वापस तो जैसा कि हमने देख रहे थे कि 402 में भी है 406 में भी है चले हम इसको 402 का ओपन कर लेते हैं वीडियोस देखनी है आपको समझाना है कि उस वीडियोस के ऊपर वो टिक किस तरह आता है नाम को क्लिक किया वीक अभी करंट चल रहा है और यहाँ पे देखे की जो बाकी जितने भी है उनका जो कलर है वो ब्लैक है और ये ब्लू है अब ये होता है कि जिन जिन सब्जेक्ट की अटेंडेंस लाजमी है वीडियोस देखना जरूरी है वो जब तक आप वीडियो एक को कंप्लीट नहीं करेंगे अगला वीडियो ओपन नहीं होगा आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि अभी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लेक्चर ओपन है लेक्चर ओपन बाकी भी हो जाएंगे लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप देखते जाएंगे तो नेक्स्ट ओपन होगा नहीं देखेंगे तो अगला लेक्चर ओपन नहीं होगा इसलिए यूँ समझने के ये लेवल है गेम का एक गेम आप ओवर करेंगे लेवल उसका तो फिर अगला लेवल जो है वो अनलॉक हो जाता है इंट्रोडक्शन को क्लिक करेंगे पहला लेक्चर है हमारा चेक करते हैं इसको जैसे नाम को क्लिक करेंगे वीडियो ओपन हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी वीडियोस हम देखेंगे साउंड मैंने ऑफ कर दी है तो यहाँ पे बिल्कुल वीडियो है और साथ में रीडिंग का टैब है वीडियोज के ऊपर जाए तो कर्सर और तरह का है रीडिंग के ऊपर जाए तो और तरह का है इसका मतलब है की ये जो टैब है ये डिसेबल है फिलहाल और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आए तो नाट व्यूड आ रहा है जैसे मैंने अभी

तो देखते हैं कि एक मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे देखे ठीक है ये एक मिनट हो चुका है और यहाँ पे देखें कि ग्रीन टिक लग गया है कि व्यूड ये आपने ये वीडियो देख ली है और इसका जैसे ही ये भी टिक लगा और इसके साथ ही यहाँ पे जो टैब था आप देखें पहले कर्सर था गोल और डिसेबल था अब ये बिल्कुल ओके हो इसके ऊपर जो टोटल टाइम है वो एक सेकेंड होता है जैसे एक सेकेंड कम्पलीट होता है तो ये व्यूड हो जाता है इस तरह से ये जो हमारा वीडियो है वीडियो भी टिक लग गया और रीडिंग टैब भी टिक लग गया अब हम नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो ओपन कर सकते हैं चार मिनट और चौबीस सेकंड है एक मिनट के करीब आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा और टाइम चल रहा है उसके ऊपर वैसे ही है वीडियो का टैब बिल्कुल आ, एक्टिव है नेक्स्ट जो है वो डिसेबल है रीडिंग का और उसके बाद नाट भी उड़ा रहा है तो एक मिनट यहाँ पे भी गुजार लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या होता है और ये याद रखिएगा कि जब हम शुरू में आए थे तो हमारे जब हम इसको बैक लेके जाएंगे यहाँ पे तो जो लिस्ट था इंडेक्स था वहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर ओपन हो रहा था शो हो रहा था कि अभी तक एक है लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो हमें वहाँ पे दो से तीन लेक्चर ओपन शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने एक देख लिया है और एक के बाद हम लेसन टू भी कंप्लीट कर रहे हैं जब लेसन टू कंप्लीट कर लेंगे तो थर्ड ओपन हो जाएगा थर्ड ओपन करेंगे तो फोर्थ ओपन हो जाएगा इस तरह करके नेक्स्ट वीडियो आपका आता जाएगा और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो कोशिश करें कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर लें और अगर आप देखने के बाद भी टिक नहीं लगता तो फिर आपने क्या करना है कि LMS को रिफ्रेश कर देना है या उसको लॉग आउट करके आपने दोबारा से लॉग इन कर लेना है तो वहां पे रीडिंग जो व्यूड है वो लग जाएगा यहाँ पे गौर करना है कि टैब जितने भी हैं वो आपने सारे कंप्लीट कर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई वीडियो दिखाऊं आपको जिसमें दो से तीन टैब हो तीन टैब हो कम से कम तो इसमें भी दो टैब हैं यानी कि अः uh, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनका थर्ड टैब भी यहाँ पे आ जाता है और जैसे थर्ड आता है तो वो क्विज का होता है क्विज भी आपने करना होता है उसका नंबर नहीं होता तो टोटल ये भी चार मिनट अड़तीस सेकंड की वीडियो है और वही हमें चाहिए कि ग्रीन टिक लगे तो हम अगली वीडियो के ऊपर जाएं थोड़ा सा मैंने इसकी स्पीड को तेज़ कर दिया है ताकि वीडियो का टाइम ज़रा कम लगे एक मिनट चौबीस सेकंड गुजर चुके हैं और यहाँ पर टिक लग चुका है ग्रीडिंग का टैब भी कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही दो सेकंड गुजरेंगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं मेरा मकसद अगली वीडियो के ऊपर जाने का ये है लेकिन इसमें भी तीन टैब नहीं है हम क्या करते हैं कि वापस किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जब लिस्ट ओपन होती है तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है ये भी टिक है ये भी टिक है ये भी कंप्लीट किए चौथी को कंप्लीट करते तो हैं तो हम देख लेते हैं वन को। आ, वीक, वीक वन है, तो ओपन करते हैं ये वाला फिलोसफीस ऑफ एजुकेशन क्लिक करने के ऊपर हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा यहाँ पे भी वीडियो है और इसमें चार मिनट और उनचास सेकंड है स्पीड में थोड़ी सी तेज कर देता हूं ताकि वीडियो का टाइम ना ज्यादा लगे। लेंथी वीडियो ना हो उसी तरह यहाँ पे दो टैब्स हैं आ, वीडियो का और रीडिंग का और यहाँ पे व्यूड आ रहा है इसके नीचे अगर आप इस आ, इस वीडियो के मतलब जब आप देखते हैं अगर आप अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे क्वेश्चन जिस तरह यहाँ पे किसी ने पूछा है, है और उसके नीचे ही जो है ना आपको आपके टीचर की तरफ से आंसर मिल जाए तो दो तीन वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो जिस वीडियोस में हमारा क्विज भी आता है तो क्विज़ वाली वीडियो को आपने किस तरह करना है <coughs> वेट करते हैं ग्रीन टिक लगने का आलमोस्ट टाइम हमारा हो चुका है ये देखें यहाँ पे ना ये दो मिनट आलमोस्ट हो चुके हैं तो लग गया है टिक ठीक है इसका मतलब है कि जो वीडियो की स्पीड तेज करने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता टाइम पूरा लग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं यहाँ पे भी इसी तरह ही है। मुझे अभी तक कोई ऐसा वीडियो शुरू शुरू में नहीं मिला जिसको जिसके अंदर क्विज भी आए तो मैं जरा वीडियो को रोक कर दो तीन वीडियोस देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग को रोक कर तो ऐसी वीडियो जिसके अंदर क्विज है उसके ऊपर मैं आपको फिर लेके चलता हूँ <coughs> अच्छा जी दोबारा से हमने तीन, तीन तीन चार चार वीडियोस देखी हैं अब दोबारा प्रोग्रेस के ऊपर आप चेक करते हैं कि जो हमने आ, हमारे यहाँ पे अबसेंट लगा हुआ था क्या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है तो अब यहाँ पे एक तरफ मैं आपको दोबारा से होम पेज के ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ पे वीडियोज तीन है यहाँ पे चार है पहले यहाँ पे क्या था एक एक दो थी इसी तरह यहाँ पे ऑफ एजुकेशन उसमें चार वीडियोज तो हम जरा देख लेते हैं कि 402 और 601 में हमारा क्या आ रहा है 402 और 601 402 को, क्लिक करते हैं, तो जैसे मैं में आपको को चेक कर लेते हैं उसके अंदर अभी अब सेंट है यानी कि हमें मजीद वीडियोस देखना पड़ेगी तो वो अटेंडेंस लग जाएगी हमारी जैसे यहाँ पे फोर के अंदर लगी हुई है अब जो नेक्स्ट क्या था हमारा वीडियो लेक्चर किस तरह <coughs> देखना किस तरह जरूरी है हाजरी तक तो हम पहुंच गए वीडियो लेक्चर देखना कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जिनके अंदर <coughs> अः इसमें तकरीबन को चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें देखना जरूरी है जैसे कि आ, 402, 406, 601 और 602। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जब आपके क्विज वगैरह आएंगे ना तो क्या करना होता है कि जैसे 402 में लाजमी है तो क्विज यहाँ पे ओपन हो गया और क्विज ओपन होने के बाद वो आ, शर्त लगा देते हैं कि जब तक अब ड्यू डेट भी होती है क्विज की आपको पता है कि फर्श करें आज पच्चीस है तीस को आ जाता है क्विज तीस को नहीं आएगा वैसे ये पांच छे या सात जाके के को आना शुरू हो जाएंगे क्विज वगैरह असाइनमेंट वगैरह तो वहां पे शर्त लगी होती है कि भाई रीडिंग डिपेंडेंसी आपने पंद्रह लेक्चर क्विज करने से पहले देखने हैं अगर आप क्विज करने के लिए ओपन करते हैं और वहाँ लिखा आता है कि आपने तो देखे नहीं है और रात आप दस बजे बैठते हैं क्विज करने तो इसका मतलब है कि फिर अब सब सबसे पहले तो आपको वीडियोज देखना पड़ेंगे और फिर उसके बाद क्विज देखेंगे और इस दौरान अगर टाइम बचा तो ठीक अदरवाइज टाइम जैसे गुजरा बारह बजे रात के डेट चेंज हो जाएगी और आप क्विज मिस कर देंगे इस हिसाब से ये जरूरी होता है <coughs> अब आ जाए अगर आपने हैंड आउट किस तरह डाउनलोड करने हैं, वो मैं एक आधी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ एक अलग से भी मुकम्मल वीडियो मौजूद है डाउनलोड करने वीडियो थ्री जीरो वन है या फोर जीरो टू है अगर आप इसकी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वी यू खानपुर डॉट कॉम उसके ऊपर आप जाके उसको खोलेंगे खोलने के बाद आपने क्या करना है बुक शॉप के अंदर आपको जो मेन्यूज मिल जाते हैं बुक शॉप में जाके आपने हैंड आउट को क्लिक करना है और हैंड आउट के अंदर आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एल के अंदर से करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे जैसे ई डी यू थ्री जीरो वन है और यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर डाउनलोड के ऊपर मिल जाएगी एलएमएस के अंदर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर बुक को नाम को क्लिक करेंगे नाम को क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल है जो भी आपकी बुक होती है उसके साथ हैंड लाजमी लिखा होता है इसको क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी या मोबाइल में आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी इवन के जो ग्रुप्स हैं हमारे वो भी सारे के सारे हैं उसमें भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी सारी चीजें ये आपकी बुक डाउनलोड हो गई यहाँ पे अब आप इसको ओपन कर सकते हैं जो वीडियोस में बताया गया है वो सारे का सारा यही है इसी से आपने तैयारी करनी है और ये सारी कंप्लीट मेरा ख्याल है कि जो हमारी आज की वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई है हिसाब से आ, क्लास लेने का तरीका भी बता दिया आपको वीडियो में कैसे ग्रीन टिक लग रहा है वो भी है अटेंडेंस किस तरह लग रही थी वो भी और वीडियो लेक्चर कितना जरूरी है ये भी मैंने आपको क्विज के हवाले से बता दिया तो इनशाला आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़